हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। राज्य हम बात करने वाले हैं MarQ की तरफ से आने वाले फाल्कन एयरबुक के बारे में। तो ये एक बहुत ही लाइटवेट लैपटॉप है और जो है कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए वीडियो में जो है आगे बढ़ते हैं और इसी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, सभी डिटेल्स के बारे में आप सभी को बताता हूँ कैसा है ये लैपटॉप, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप जो है ये लैपटॉप ख़रीदते हैं तो इसके साथ आपको जो है लैपटॉप के साथ पावर अडाप्टर मिल जाता है, यूज़र गाइड्स तो मिलेंगे ही, वारंटी डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। मॉडल नंबर इसका MAi5882SWT है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर जो है टाइटल में दे दूंगा इसका मॉडल नंबर। सीरीज जो है फाल्कन एयरबुक है, कलर इसका जो है सिल्वर है, पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है, ये सिल्वर कलर में जो है आता है। ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जो है ये एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंस, प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग, एवरीडे यूज, ट्रैवल एंड बिजनेस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ जो है देखना, इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है। पर जो है मैं कहूँगा, अगर आप जो है गेम खेलने के लिए खरीद रहे हैं, अगर आप फुल्ली गेमर हैं, प्रोफेशनल गेमर हैं, तो इसे आप जो है इसमें आप गेम्स खेल सकते हैं पर उस लेवल तक नहीं खेल सकते हैं, जैसे पबजी लाइट वगैरह आराम से चल जाएगा इसमें। तो मल्टीटास्किंग अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एवरीडे यूज़ के लिए, नॉर्मल यूसेज के लिए, और जो है वीडियोस, सर्फिंग, नेट सर्फिंग वगैरह जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सभी चीज़ें यूज़ करने के लिए अगर आप ये लैपटॉप खरीद रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। काफ़ी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, काफ़ी थिन एंड जो है पतला आता है। तो जो है दूसरे लैपटॉप से इसे कंपेयर किया जाए तो काफ़ी जो है ये पतला और जो है यहाँ पे लाइट वेट है, तो आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप जो है वो क्लेम करता है फ्लिपकार्ट की, जो है 5 आवर्स तक जो है आपको, यानी 5 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। पावर सप्लाई जो है इसकी 40 वाट्स का है, तो 40 वाट्स का एसी अडाप्टर मिल जाता है। बैटरी सेल्स जो है यहाँ पे 2 मिलेंगी आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो है इसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है दूसरी जगह से लेके जो उसकी सीडी आती है या भी जो भी आता है सॉफ्टवेयर, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है ख़रीद के एक्सटर्नली इसमें लगाना पड़ेगा। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो ब्रांड है प्रोसेसर का वो इंटेल की तरफ से आता है, जिसका नाम है कोर i5 8th जनरेशन का। इसमें जो है इंटेल कोर i5 आपको देखने को मिलता है। SSD है, SSD की कैपेसिटी जो है 256 GB तक आप इसमें लगा सकते हैं। रैम जो है वो 8 GB की मिलती है। रैम टाइप जो है वो LPDDR3 है, तो LPDDR3 टाइप वाली इसमें 8 GB की रैम मिलती है आपको। प्रोसेसर वेरिएंट यहाँ पे क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो 1.6 GHz जो है इसका प्रोसेसर का स्पीड है, क्लॉक स्पीड है, और टर्बो बूस्ट के साथ जो है 3.9 GHz तक ये हो जाता है। और यहाँ पे जो है ग्राफिक प्रोसेसर की बात करूँ तो इंटेल का जो UHD 620 है यहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसर, 4 कोर्स के साथ आता है, क्वाड कोर का जो यहाँ पे आपको सिस्टम मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका विंडोज 10 होम है, तो आपको जो है 64-bit का OS आर्किटेक्चर मिल जाता है। सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है वो 64-bit का आपको देखने को मिलेगा। पोर्ट्स एंड स्लॉट फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे माइक मिल जाता है, USB पोर्ट्स मिलते हैं, USB पोर्ट में आपको जो है टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, और जो है USB का 3.0 वाला पोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है, जो कि 2 हैं, एक USB टाइप सी पोर्ट है और जो है 2 USB 3.0 वाले साइज़ वाले आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। HDMI पोर्ट जो है 1 मिलेगा इसमें, और जो है मल्टी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, तो आप जो है MicroSD कार्ड रीडर भी इसमें लगा सकते हैं। डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन साइज़ इसकी 13.3 इंच की है। इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये फुल HD है, 1920x1080 पिक्सल्स है। स्क्रीन टाइप जो है वो फुल HD LED बैकलिट IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 60Hz इसका रिफ्रेश रेट है। स्पीकर्स जो है आपको इसमें मिलते हैं, इंटरनल माइक भी इसमें मिल जाती है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की जो फीचर्स है वो भी आपको मिल जाते हैं। इसका 1.26 kg जो है बहुत ही कम वेट के साथ आता है, ये मैकबुक जो एप्पल का आता है उससे भी जो है कम वेट में आता है, तो इसका वेट जो है काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो वेब कैमरा है वो 2 MP का आपको जो है वेब कैम देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और कीबोर्ड जो है वो आपको फुल साइज़ कीबोर्ड मिलता है, यानी कि आपको जो है काफ़ी बड़ा पूरा जो है फुल साइज़ कीबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे इंग्लिश वाला जो स्टैंडर्ड
कीबोर्ड होता है वही आपको इसमें देखने को मिलता है। पॉइंटर भी मिल जाता है जो कि मल्टी जेस्चर सपोर्ट के साथ आता है। और इसमें जो है 4800 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो ये लैपटॉप में आपको काफ़ी अच्छी जो है स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। स्टाइलिश एंड पोर्टेबल थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये। IPS डिस्प्ले के साथ आता है। बहुत ही जो है लाइट इसका जो हाईलाइट है वो ये है कि जो है कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और 16.5 mm अल्ट्रा थिन है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया प्रोसेसिंग के लिए आप जो है इसे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसका प्राइस जो है वो 39,990 rupees है। आपको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो इसे चेक कर सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई काफ़ी अच्छी है। यहां पे डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है इसका। ऐसा नहीं है कि जो है आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है। 178 degrees के व्यूइंग एंगल से ब्रिलियंट कलर्स देखने को मिलते हैं। और तो और जो है कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी इसका जो बूटिंग सिस्टम है बहुत जल्दी खुल जाता है। अगर आप इसे खोलते हैं तो करीब 5-6 सेकंड ही लगेंगे या फिर 10 सेकंड के अंदर ही ये जो है खुल जाता है। विंडोज 10 होम के साथ आता है, प्री इंस्टॉल है इसमें। तो दोस्तों मैंने इस मार्क्यू फ्लिपकार्ट का जो लैपटॉप है उसके बारे में आप सभी को बता दिया हूँ। 8 GB RAM के साथ आता है, 256 GB SSD के साथ आता है। तो क्या है आपके इसके इस लैपटॉप के बारे में ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।